जिसने 7 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से छोड़ दिया, वो भी रोते हुए 12 घंटे में आपके पास आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट है, जिसने 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से छोड़ा है, उसको कैसे पॉइंट करना है, कैसे सबक सिखाना है कि पहले की तरह कॉल करने लग जाए, मैसेज करने लग जाए, हमारे लिए गिड़गिड़ाए, जैसे हम भीख मांग रहे हैं, 500 कॉल कर दिए, 1000 कॉल कर दिए, उसकी फैमिली में दोस्तों से सबसे गिड़गिड़ा के कॉल की भीख मांग रहे हैं, मैसेज की भीख मांग रहे हैं, तो वो भी आना जरूरी समझेगा। कुछ पॉइंट है, कुछ साइकोलॉजी की टिप्स है, जो आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। और कोई 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से बेचारा भटका हुआ, इधर उधर गोते खाता हुआ, पौआ पी के गिरा हुआ, जो बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड आ रही है वापस तुम्हारी जिंदगी में, क्या उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या हमें उसे का और वेट करना चाहिए? 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल और उसका इंतजार करें और उसकी यादों में खोए रहे, या कौन से पॉइंट करे कि वो हमारे लिए सोचे? तो वीडियो आपके लिए होने वाली है, एंड तक देखना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे। और बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, मर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो कॉल बुक कर सकते हो, मेरे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना, वो ही आना जो ज़्यादा मर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, ठीक है। इसके चार्जेस है, आपको पे करने होंगे, तभी कॉल पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम जड़ से शॉर्ट आउट की जाएगी। जो वीडियो से तुम्हें चीज़ें 70-80% समझ आ रही है, वहाँ 500% समझ आएगी। कॉल बुक कर लेना, चार्जेस है, छोटा सा अमाउंट है, डेफिनेटली जड़ से पॉइंट किए जाएंगे, जड़ से तुम्हारी डिप्रेशन की चीज़ें निकाली जाएगी। अब 7 दिन, 20 दिन, 1 महीने वाले आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे पार्टनर ने, या तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, वो यूँ कह रहा है तू नहीं समझेगा, बहुत सारे पॉइंट हो गए होंगे, या तो तुम्हारी फाइट क्रिएट हुई होगी, किसी को लेकर तुम्हारी चीज़ें खराब हुई होगी, डेफिनेटली किसी को लेकर चीज़ें खराब हुई होगी, या कोई आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मिल रही, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा, या कुछ ना कुछ आपने चीज़ें कही होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं समझा होगा आपका पार्टनर, आपको लग रहा होगा आप सही हो, अब आपको लग रहा है कि नहीं, पार्टनर हमारा बहुत भोला था, बहुत दयालु था, बहुत सुशील था, बहुत अच्छा था, ठीक है, खट्टा कैरी की तरह नहीं था, तो इसको कैसे बाउली चड्डी पहनाए, कैसा इसका दिमाग भेजा फिराई करे, टुकड़ी टुकड़ी वो हमारे पास आए। पहली चीज़ तो अगर आपकी गलती है तो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, शाम दंड भेद सब अपना लो, इधर उधर कॉल मैसेज सब अगर आपने कर लिए, सामने वाला ये कह रहा है तू नहीं समझेगा, मैं नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगा, अब आप यहाँ दारू पी रहे हो, कहीं मजनू बन गए, कहीं लैला बन गई, ठीक है, हम तो भागेंगे टुकड़ी टुकड़ी बावली ट्रेन के पीछे, ओ अर्जुन कहाँ गया, सुनील शेट्टी बावले बन के कफन बांध के सर पे भागोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाए। अब तुमने एफर्ट्स लगा लिया, हर जगह कॉल मैसेज कर ले, तो अब एकदम शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, बिल्कुल उसके जो कॉन्टैक्ट है, उसकी फैमिली हो, दोस्त हो, सबसे कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, बिल्कुल हाइड जिंदगी जी लो, ठीक है, बिल्कुल शांत। अब तुम कहोगे सर हमने कभी स्टेटस नहीं लगाए हैप्पीनेस वाले, तुमने यही लगाए कर्मा आएगा वो हो जाएगा, जो पाप करेगा वो एकदम भसम हो जाएगा, ये चीज़ों से हटके थोड़ा खुद की लाइफ के लिए फोकस करो, घूम रहे फिर रहे हो ऐसे स्टेटस लगाओ, तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, स्टेटस लगाओगे हैप्पी रहोगे, तुम्हारा पार्टनर गलती से देख लेता है, उसके दोस्त वगैरह देख लेते हैं, वो यूँ कहेंगे तेरे बिना खुश है, तो वो चीज़ उसे हजम नहीं होगी। अब तुम देवदास बन गए, ले भैया गजनी बन गए, टकले हो गए, बैठे हो, पौआ पी रहे हो, हम मर रहे हैं, उसके दोस्तों को भेज रहे हो, रोते हुए आंसू गिड़गिड़ाते हुए, तो सामने वाला सोचेगा साला ठीक है तड़पने दो इसको, उसको और एनर्जी मिलेगी, तो तुम्हें क्या करना है, हैप्पीनेस वाली चीज़ें शो करनी है, बिल्कुल साइलेंट रहना है, बिल्कुल अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर रखना है कि अब सामने वाला रह रहा है तो हम भी रहेंगे, अब आपका एफर्ट्स ही नहीं लगाना है। अब आपने 10 दिन से एफर्ट्स लगाए, तुम कहोगे 10 दिन हो गए सर हम रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं, अब उसका कॉल नहीं आया, अब 7-8 दिन बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, स्टेटस लगाओ, पिक लगाओ, अनब्लॉक कर दो तुम उसको, देखो अगर चोर ने चोरी करी तुम भी चोरी करोगे तो कोई मतलब नहीं, उसने ब्लॉक कर दिया तुम्हें नहीं करना, अगर उसने नहीं करा तो तुम्हें भी बिल्कुल नहीं करना, अपनी पिक स्टेटस लगाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल मजे लेने दो उसको, 6-7 दिन अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ घूमने दो, तुम मेंटली अटैच हो, फिजिकली अटैच हो, वो मूवमेंट वो अटैच है ना, तो वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करेगी, तुम कितने ही निठल्ले हो कुछ भी हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, ठीक है, ऐसे नहीं मिलते, जो प्यार करेगा वो अपने बारे में सोचेगा, साला 5 दिन बाद उसको याद जरूर आएगी कि यार वो लड़का सही था, वो लड़की सही थी, जक मार के वो सबको लात मार के फैमिली दोस्त वगैरह तुम्हारे पास आना जरूरी समझेगा या समझेगी, तो तुम्हें बिल्कुल चुप होना है, तुम्हें एकदम मौन धारण कर लेना, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना किसी से रिक्वेस्ट करानी, ना भीख मांगनी, गलती थी मान लिया, अब तुम्हारी गलती नहीं है तो सारा एफर्ट्स लगा दिए होंगे तुमने, अब एफर्ट्स मत लगाना, चुप रहना भी सीखो, सामने वाले को अगर तुम्हारे बिना रहने की चुल मची हुई है तो रहने दो ना, तुम क्यों भाग रहे हो इस कंडीशन में, तुम ये नहीं है खुद को बर्बाद कर लो, खुद को आबाद करो, जिम जाओ, अपनी एक्सरसाइज करो, दोस्तों को फैमिली को सबको टाइम वगैरह देना है,
प्रिपेयर रहना है, एंड ये नहीं कि साला बाउले बन के बिल्कुल सामने वाला हंसे तुम्हारे तमाशा दे के तुम्हें बर्बाद दिखा, ये नहीं, बिल्कुल चिल रहना है। अब कई पॉइंट आ रहे हैं कि सर 3 महीने से 6 महीने से 5 महीने से 1 साल से हमारा पार्टनर अब हमारे पास आ रहा है तो करे क्या। पहली चीज़ वो तुम्हें छोड़ के चल गया बिना रीजन, बिना कुछ टिप्स वगैरह दिए कि भाई साहब ये पंगा हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, तुम रोए गिड़गिड़ाए मरे, ठीक है। अब 3 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव कट जाता है, अब एम्बुलेंस को तुम कॉल करते हो, 3 महीने बाद आ रही है, वो अपनी समस्याएं बता रही है, तुम करोगे क्या? तुम तो या तो ऊपर पहुंच गया, तुम्हारा पैर कट गया, ठीक है। समय पे जो चीज़ हो जाए उसको हम मानते हैं कि भैया वफादार इंसान, अब समय पे कुछ हो रही नहीं रहा, फिर साला समय निकल गया क्या मतलब? आज तुम एकदम डूबे पड़े हो कर्जे में, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, जब तुम पैसे वाले बन गए तब तुम्हारी मदद कर रहा है जिस इंसान से तुमने 100 कॉल करे, क्या मतलब? वो साला अपना है ही नहीं, तुम उस कंडीशन में मर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, शक का अटैक दिया गया, साइको का अटैक दिया गया, पागल का अटैक दिया गया, तुम्हें छोड़ा गया, लात मारी गई, अब वो बंदा या बंदी तुम्हारे पास आना चाह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि मैं वापस से रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सोचो जिसने एक बार मर्डर कर दिया उसको तुम मौका दोगे, तुम्हारे घर में घुसाओगे, दोबारा मर्डर करेगा? जिसने एक बार तुम्हारे प्यार के खिलाफ तुम्हें बोल दिया, वापस तुम उसको अपनी ज़िंदगी में बैठाओगे, उठोगे, साला वापस से वो जहर घोल लेगा? तो वैसे ही जिसने तुम्हें छोड़ दिया वापस उसको चांस दोगे, वापस तुम्हें लात मारेगा, वापस तुम्हें छोड़ के भागेगा? तो ऐसे को मौका ही नहीं देना, जो कहना ठीक है निकल यहाँ से, ओके, ऐड कर लेना अपनी पिक डालना, स्टेटस डालना, 5-5, 10-10 दिन में रिप्लाई करना, वो बोले क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रही, करती हूँ रिप्लाई, करता हूँ रिप्लाई, फिर भाग जाओ, फिर रिप्लाई मत दो 10-10 दिन तक, अपनी लाइफ को शो करो, वो भी सोचेगा मैंने किस लड़के लड़की को छोड़ दिया, उसे फील होना चाहिए। तो फील तुम ही करा सकते हो और आगे तुम ही बढ़ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।